हेलो एवरीवन, हेलो सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं मेरे इस टाइम पे, और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है और मुझे थोड़ा आपसे एक फीडबैक भी चाहिए। आई एम प्लानिंग कि इस चैनल पर अब मैं फर्दर सिर्फ करियर रिलेटेड, मतलब अर्निंग रिलेटेड वीडियोस मेजरली डालूँ। बाकी वीडियोस भी आएंगी, बाकी क्लासेस की वीडियोस भी आएंगी। CMA फाउंडेशन के लिए मैंने चैनल सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारी हमारी वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूँ मैं क्या प्लान कर रहा हूँ और क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस तरीके की वीडियोस अपलोड करूँ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप जो मैं वीडियोस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उनसे हैप्पी हैं और इनमें से बेस्ट आपका कौन सा प्रेफरेंस है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट अब मैं डेडिकेटली आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहला मेरा टॉपिक रहा करेगा कि मैं अभी मेनली बात करूंगा उन लोगों से, उन स्टूडेंट से जो अर्निंग प्रोस्पेक्टिव से, मतलब उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब उनको अर्निंग के लिए कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ पे अर्निंग के ऑप्शंस उनके साथ शेयर करूंगा, लाइफ में चीजें कैसे प्लान करें, वो चीजें क्यों हम फेल हो जाते हैं अर्निंग करने में उसके बारे में, करियर में कभी कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लें, लाइफ के कुछ रूल्स जो मुझे लगता है या मेरे पेरेंट्स मुझे समझाएंगे या मैं ओवर द टाइम मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो मोटिवेशनल वीडियोस। सो इस तरीके के कंटेंट और कोर्सेज के रिगार्डिंग, अगर जो वो कोर्सेज जो कोई भी कर सकता है, ऐसे कोर्सेज जहाँ से अर्न किया जा सकता है, टैक्सेशन में अपडेट्स, तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं प्रॉपरली इस पर डेडिकेटली कंटेंट अपलोड करता रहूँ, तो मुझे एक तो आपकी सपोर्ट पूरी तरह से चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता है कि कोई भी कंटेंट लाने से पहले ना उसमें बहुत प्लानिंग करनी होती है, सोचना होता है कि अरे टॉपिक पहले, तो उस टॉपिक को ढूंढने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना, उसकी एडिटिंग करना, अपलोड करना, थंबनेल क्रिएट करना, यहाँ पे पूरी टीम का और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब आपके फीडबैक अच्छा आता है ना, आपके लाइक्स आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो लगता है यस वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अदरवाइज सिर्फ व्यूज़ मैटर नहीं करते, व्यूज़ तो ठीक है, जब व्यूज़ आते हैं ना तो सिर्फ ओके लगता है कि ठीक है, मतलब ये वीडियो की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो गई है, लोगों तक पहुँच पा रही है, ये बात है। बट जब उस पर इंट्रैक्शन होता है ना कि लाइक आ रहे हैं या फिर कमेंट्स आ रहे हैं, तो एक फील होता है कि हाँ, मतलब स्टूडेंट्स अपने आप को इससे, मेरी बात से अटैच कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे एक अलग ही बात होती है। तो इस तरीके के कोई टॉपिक्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फर्दर कोई आपके लिए सजेशन है, तो वो आप मुझे शेयर करिए, और आई विल ट्राई कि बहुत अच्छे से मैं आपको जितनी हेल्प कर सकूँ, जितना गाइड कर सकता हूँ, वो मैं आपको करूँगा, ठीक है। और ओवर द टाइम मैंने बहुत सारे प्लान्स हैं इसी से रिलेटेड, इसको ग्रो करने के, तो ताकि आपके करियर में बहुत अच्छे से चेंजेस आ सके, आपके थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आ सके, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें।